जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव, आप देख रहे हैं देश विवाद यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैच है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस बेंगलोर का। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, आज है 19 मई, आईपीएल का देख लेते हैं दोस्तों हमारे पास टीम न्यूज़ में क्या है, प्लेइंग 11 में क्या है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मेरी वेबसाइट पर आ चुकी है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं टीम का नाम क्या है। दोस्तों टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैच कब है। मैच है दोस्तों 19 मई 2018, यानी कि आज 4 बजे शाम को, ठीक है फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं कहाँ पर मैच है। दोस्तों मैच है सवाई मैनगिंगम स्टेडियम जयपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं टीम न्यूज़ की। तो दोस्तों जोस बटलर एंड बेन स्टोक इंग्लैंड वापस चले गए पाकिस्तान टेस्ट मैच के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। जोस बटलर और बेन स्टोक और हेनरी क्लासन एंड डीआरजी शॉट नॉट प्लेइंग। दोस्तों डाउटफुल है, खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल से, हेनरी क्लासन एंड डीआरजी शॉट, ठीक है फ्रेंड्स। स्टुअर्ट विनी एंड अनुप्रीत सिंह भी डाउटफुल चल रहे हैं, ये खेल भी सकते हैं। स्टुअर्ट विनी एंड अनुप्रीत सिंह भी डाउटफुल हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करें स्क्वाड की, तो आप स्क्वाड देख सकते हो, राजस्थान रॉयल की स्क्वाड है, ये बेंगलोर की स्क्वाड है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों प्लेइंग 11 की, तो देख सकते हो बेंगलोर की प्लेइंग 11, विराट कोहली जो कैप्टन है टीम के वो खेलने वाले हैं, पार्थिव पटेल विकेट कीपर है टीम के वो खेलने वाले हैं, मोइन अली खेलने वाले हैं, ए बी डिविलियर्स खेलने वाले हैं, मनदीप सिंह खेलने वाले हैं, सरफराज खान खेलने वाले हैं, कोलिन डी ग्रांडो में खेलने वाले हैं, टीम साउथ ही खेलने वाले हैं, उमेश यादव खेलने वाले हैं, मोहम्मद सिराज खेलने वाले हैं और युजवेंद्र चहल खेलने वाले हैं। अगर दोस्तों आप ड्रीम इलेवन काफ़ी दिनों से खेल रहे हो और आपको ये नहीं पता अब तक कि मेरा कंप्यूटर कौन है, तो ऊपर दोस्तों आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए, मैंने आपके लिए बनाई है कि हमारा कंप्यूटर रियल में है कौन, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम कर बात राजस्थान की प्लेइंग 11 की, तो दोस्तों थोड़ा चेंज होगा राजस्थान की प्लेइंग 11 में, डाउटफुल है क्योंकि कुछ प्लेयर, अगर इसके बाद हमको कुछ और न्यूज़ मिलती है वो आपको अपडेट कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों संजू सैमसन खेलने वाले, अजिंक्य रहाणे खेलने वाले, राहुल त्रिपाठी, स्टुअर्ट विन दोस्तों खेलने वाले, हेनरिक क्लासन का दोस्तों डाउटफुल है, डीआरजी शॉट का भी डाउटफुल है, खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल सकते। जैसे हमको कुछ पता लगता है दोस्तों आपको अपडेट कर दिया जाएगा। टीम न्यूज़ का कृष्णप्पा गौतम खेलने वाले, जयदेव उनादकाट खेलने वाले, जोफ्रा आर्चर का भी दोस्तों डाउटफुल है, ठीक है फ्रेंड। इस सोडी खेलने वाले अनुप्रीत सिंह और धवल कुलकर्णी दोस्तों खेलने वाले हैं, इनका दोस्तों डाउटफुल है कुछ प्लेयर का। जैसे ही हमको कुछ पता लगता है तो दोस्तों आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, दोस्तों राहुल त्रिपाठी को आप ले सकते हो, ए बी डिविलियर्स को और विराट कोहली को आप दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड। टीम पिक्चर की बात करें तो विकेट कीपर के तौर पर हमने लिया पार्थिव पटेल को, बैट्समैन की बात करें तो हमने दोस्तों विराट कोहली को लिया, मनदीप सिंह को लिया है, ए बी डिविलियर्स को लिया कैप्टन के तौर पर, अजिंक्य रहाणे को लिया वाइस कैप्टन के तौर पर, राहुल त्रिपाठी को लिया है। बात करें ऑलराउंडर की तो हमने दोस्तों कोलिन डी ग्रांडोमी को लिया और कृष्णप्पा गौथवामी को लिया है। बॉलर्स की बात करें दोस्तों उमेश यादव को लिया है, जयदेव उनादकाट को लिया है, इस सोडी को हमने ले लिया है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद मैं आपको दोस्तों ड्रीम इलेवन में एडिट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे एडिट करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो विकेट कीपर के तौर पर हमने लिया पार्थिव पटेल को, बैट्समैन में बात करें हमने 5 बैट्समैन लिया, विराट कोहली को लिया, ए बी डिविलियर्स को लिया, अजिंक्य रहाणे को लिया, मनदीप सिंह को लिया है, दोस्तों राहुल त्रिपाठी को हमने लिया है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अगर हम बात करें ऑलराउंडर की तो हमने लिए 2 ऑलराउंडर देख लेते हैं, कृष्णप्पा गौथवाम को लिया और कोलिन डी ग्रांडोमे को हमने ले लिया है। बॉलर की अगर हम बात करें तो हमने लिए 3 बॉलर देख लेते हैं फटाफट से, एक लिया दोस्तों उमेश यादव को, एक लिया जयदेव उनादकाट को और तीसरा जो बॉलर लिया दोस्तों हमने लिया इस सोडी को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें दोस्तों, कैप्टन हमने लिया ए बी डिविलियर्स को और वाइस कैप्टन लिया अजिंक्य रहाणे को, सेव टीम कर लेता है दोस्तों। कुछ प्लेइंग 11 चेंज हो सकती है, जैसे ही कुछ भी चेंज होता है तो हम आपको दोस्तों जो है बता देंगे। ये तो आप देख सकते हो दोस्तों प्रीव्यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हो। अगर आपने वो कंप्यूटर वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। आज की सुनो बस इतना ही, बाकी की टीम आपको समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।